हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन नंबर 24 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 5400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर ए से 5400 रिसीव किया गया, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? कैश रिसीव किया गया है, तो कैश टू मिस्टर ए अमाउंट हो जाएगा 5400 एंड 5400। बट यहाँ देखिए, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। मिस्टर ए, हिज मतलब मिस्टर ए के अकाउंट में उसकी एंट्री डेबिट साइड में हुई है। 5400 की एंट्री डेबिट साइड में हुई है। बट अकॉर्डिंग टू करेक्ट एंट्री अगर हम देखें, तो यहाँ कैश टू मिस्टर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ कैश डेबिट में है, तो मिस्टर ए के अकाउंट में कैश की एंट्री क्रेडिट साइड होनी चाहिए। मींस रॉन्ग साइड एंट्री हुई है, तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई एंट्री, जब रॉन्ग साइड एंट्री होती है तो हम करेक्ट साइड उसकी एंट्री कर देते हैं एंड अमाउंट हम डबल करके लिखते हैं। यहां हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, एंड यहाँ कैशबुक में करेक्ट एंट्री हुई है या रॉन्ग एंट्री हुई ये मेंशन नहीं है इसमें। इट मींस कैशबुक में करेक्ट एंट्री हुई होगी, हमें सिर्फ मिस्टर ए की एंट्री रेक्टिफाई करनी है। तो यहाँ हो जाएगा टू मिस्टर ए, एंड यहाँ 5400 है, इसको हम यहाँ देखिए डेबिट साइड में इसकी एंट्री हुई, तो हम एक बार क्रेडिट साइड करेंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम करेक्ट साइड इसकी एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड, इसीलिए हम इसके अमाउंट डबल करके लिखते हैं। 5400 प्लस 5400 ये हो जाएगा 10,800। यहाँ हम लिखेंगे 10,800 एंड 10,800, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1,000 बीइंग परचेज रिटर्न वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज रिटर्न में उसकी एंट्री होनी चाहिए, बट परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्री हो गई है। तो पहले ये देखिए आप लोग, परचेज रिटर्न किस साइड जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, तो हम उसको पहले लिख लेंगे क्रेडिट साइड में, टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो हम जिस साइड उसकी एंट्री होती है उस साइड हम कर देंगे पहले टू परचेज रिटर्न। एंड अब देखिए, परचेज अकाउंट में उसकी एंट्री डेबिट साइड में हो गई है, होनी नहीं चाहिए बट उसकी एंट्री हो गई है, तो परचेज अकाउंट में एक्सेस अमाउंट शो कर रहा होगा। तो हम जब रॉन्ग अकाउंट में एंट्री हो जाती है तो हम दोनों साइड इसकी एंट्री कर देते हैं, हम क्रेडिट साइड भी कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे टू, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे टू परचेज अकाउंट, यहाँ हो जाएगा 1,000, यहाँ हो जाएगा 1,000, एंड डेबिट में हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, दोनों को ऐड करके हम ये लिख देंगे 2,000, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिस्काउंट रिसीव 2,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव किया गया है बट डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में उसकी एंट्री हुई है। मींस डिस्काउंट रिसीव का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में जाता है, ये इनकम होता है, तो ये हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव। एंड अब हम अगर डिस्काउंट अकाउंट बनाए, डिस्काउंट अकाउंट, तो यहाँ कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होनी चाहिए, बट डेबिट साइड में एंट्री हुई है, रॉन्ग साइड एंट्री हुई है, तो रेक्टिफाई एंट्री हम करेंगे, रेक्टिफाई एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, एंड जब रॉन्ग साइड एंट्री होती है तो हम अमाउंट डबल करके लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 4,000 एंड ये हो जाएगा 4,000। देखिए क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करनी चाहिए बट हुई नहीं है, डेबिट साइड में इसकी एंट्री हो गई है, तो अगर हम डेबिट क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं हुआ। तो एक बार और हम इसको लिखते हैं करेक्ट साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 2,000 फिर क्रेडिट साइड में, तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000, इसीलिए हम अमाउंट डबल करके लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, 2,740 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार वर डेबिटेड टू मोटर अकाउंट एज 1,740। मोटर कार के रिपेयर के लिए इतना पे किया गया है बट वो मोटर अकाउंट के डेबिट साइड में इतने अमाउंट की एंट्री हो गई है। तो देखिए, जब न्यू मशीनरी परचेज किया जाता है एंड उसके साथ कोई एक्सपेंस होता है तब हम उस एक्सपेंस को नहीं लिखते, हम मोटर कार में सब एडजस्ट करके लिख देते हैं। बट यहाँ न्यू मोटर कार ये नहीं लिखा हुआ है, इट मींस मोटर कार ओल्ड है एंड उसके रिपेयर में इतने अमाउंट खर्च हुए हैं, तो इसका करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश
इसमें कहीं मोटर कार तो है नहीं, बट ये मोटर कार अकाउंट में इसकी एंट्री हो गई है। मोटर कार के डेबिट साइड में 1740। तो देखिए रिपेयर अकाउंट में इसकी एंट्री करनी चाहिए, बट रिपेयर्स अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं हुई है, हुई है मोटर कार में। तो मोटर कार में एक्सेस अमाउंट शो कर रहा होगा एंड रिपेयर में लेस अमाउंट शो कर रहा होगा। तो यहाँ हम करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री देखेंगे इसकी। करेक्ट एंट्री में रिपेयर डेबिट है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे डेबिट रिपेयर अकाउंट। एंड मोटर कार में अगर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू मोटर कार। रिपेयर कितने का था? 2740 का रिपेयर हुआ था, बट मोटर कार में कितने से एंट्री हुई है? 1750। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों मैच नहीं कर रहा अमाउंट, 1000 लेस है क्रेडिट साइड में, तो यहां लिखेंगे टू सस्पेंस, ये हो जाएगा 1000। अब बैलेंस हो गया, तो फोर्थ एंट्री की ऐसे एंट्री होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मोटर कार टू सस्पेंस अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, 4000 पेड टू बी वॉज डेबिटेड टू एज अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि बी के अकाउंट में करेक्ट एंट्री हुई है या रॉन्ग एंट्री हुई है, या बस इतना ही सा दिया हुआ है, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, टू साइडेड एरर है। तो इसका करेक्ट एंट्री अगर हम देखें पेड टू बी, तो यहाँ हो जाएगा बी टू कैश, एंड रॉन्ग एंट्री इसकी क्या हो गई है? ए टू कैश। यहाँ लिखा हुआ है डेबिट टू एज अकाउंट, तो अगर हम एज अकाउंट बनाए एज अकाउंट, तो यहाँ कैश की एंट्री डेबिट साइड में हुई है, इट मीन जनरल एंट्री इसका ऐसे ही बनेगा। तो इसकी करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री हम देखेंगे। करेक्ट एंट्री में बी डेबिट साइड है, यहाँ पे भी लिखेंगे डेबिट साइड, एंड रॉन्ग एंट्री में एक डेबिट है, तो यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे टू एज अकाउंट, यहाँ हो जाएगा 4000 एंड 4000। सो स्टूडेंट्स, हम जनरल एंट्री कंप्लीट किया, अब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। सस्पेंस अकाउंट दोनों साइड हम एक एक लाइन छोड़ देंगे बैलेंसिंग फिगर के लिए। फर्स्ट एंट्री देखे तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट टू मिस्टर ए दिया हुआ है, यहाँ मिस्टर ए क्रेडिट साइड है, इसमें डेबिट साइड में हो जाएगा टू मिस्टर ए, अमाउंट हो जाएगा 10800, ये हो जाएगा 10800। नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट साइड में इसको हम डेबिट साइड में कर देंगे टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 1000 एंड 1000। थर्ड पॉइंट देखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट में हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव 4000। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मोटर कार टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ रिपेयर्स अकाउंट डेबिट में है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाई रिपेयर्स अकाउंट, एंड अमाउंट हम कौन सा लिखेंगे? सस्पेंस के आगे वाला, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट ओपन किए हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 1000। इसमें देखिए, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आया नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो देखिए डेबिट साइड में हम टोटल ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16800, एंड क्रेडिट साइड में सिर्फ 1000 है, तो 1000 हम लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 15800। क्रेडिट साइड लेस अमाउंट है, यहां हम लिखेंगे डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, यहां हो जाएगा 15800, टोटल हो जाएगा 16800 एंड 16800। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 26 ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।